नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जिंदगी में और कुछ होना हो, खुशी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन व्यक्ति के पास से खुशी चली जाती है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अभी कुछ समय पहले मैं एक संत से मिली। संत क्या मतलब, पूजा पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन हाँ उनके चेहरे पर वो चीज जरूर मैंने देखी थी जो उन्हें आज नहीं तो कल तपस्या जरूर दे देगी। तो मुझे ये लगा पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा के रास्ते पर है, भगवान के रास्ते पर है और चेहरे पर हास्य नहीं है। हंसी वो वरदान है दोस्तों जो भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। आप नोटिस करके देख लो, नोटिस करो सृष्टि के तमाम जीवों को आप देखो, इंसान की तरह कोई हंसता नहीं है। ये सौभाग्य भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। तो हर हाल में हंसे, मुस्कुराए, खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे, सुख और समृद्धि अपने आप आपको मिलती रहेगी। सुखी रहने के रास्ते आपके पास आते रहेंगे। जो जिनके पास बहुत जो गरीब है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर से एक भी हमारा सब्सक्राइबर गरीब ना रहे, ये हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, इस साल जरकन की अंगूठी हर सब्सक्राइबर, हर व्यूवर अवश्य ही पहन लें और पाइराइट अपने घर में रख लें। अब तो पाइराइट का सेल ओवर हो गया, अक्षय तृतीया तक 10 दिन तक ये सेल चला और इस बार भी बहुत सारे हजारों लोगों ने इस पाइराइट अपने घर में बसा लिया। पाइराइट एक ऐसा स्टोन है जो इंसान के घर से, किसी भी व्यक्ति घर से गरीबी को जड़ से हटा देता है। पाइराइट अपने घर में जरूर रखें, अपने पास में रखें। पाइराइट की किट खरीदें। पाइराइट की किट में 6 चीजें हैं, मतलब 6 व्यक्ति उसको अपने पास में रख सकते हैं, बराबर। दूसरी एक समस्या, रिश्ते आजकल खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, तीसरा पर्सन घुस गया है। कलयुग है, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, या तो पत्नी में तकलीफ है या पति में तकलीफ है। तो जो जिसमें तकलीफ नहीं है वो बेचारा हमेशा पश्चाताप की आग में जलता रहता है कि मैं इस व्यक्ति से क्यों जुड़ी या क्यों जुड़ा जो मेरे लायक नहीं था, बराबर। तो रिलेशन आपके अच्छे बने, घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो वो भी दूर हो, आप सबके बीच में प्रेम बढ़े, सौंदर्य बहुत अच्छा लगे, समाज में आपके रिलेशन अच्छे बने। जो रिश्ते नेचुरल होते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, नेचुरल जो रिश्ता होगा वो जिंदगी भर टिकेगा। कई लोग पैसे देकर के रिश्ता बनाते हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा है वो अब पूरा दिन खाना पकाती हैं और जिसके साथ उनको रिलेशन अच्छा बनाना है उसे घर जा करके खाना खिलाना शुरू कर देती है, ऐसे रिलेशन बनाती है। जो रिलेशन आप किसी लालच से बनाएंगे वो रिलेशन आपको आज नहीं तो कल दुखी कर देगा। जिसको जो नेचुरल है वही आपके साथ रहता है, लालच से बनाया गया रिश्ता काम पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है। देख लेना, ये बिल्कुल सनातन सत्य है। कई लोग लालच से रिश्ते बनाते हैं, चीज वस्तु का लालच होता है तो रिश्ता बना लेते हैं, जब अपना काम पूरा हो गया रिश्ता खत्म हो गया। तो ऐसे रिश्ते ना हो, रिश्ते नेचुरल हो, अंदर से एक दूसरे के लिए प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो, तो वो रिश्ता रिश्ता है। कई लोगों को देखा है अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको जबरदस्ती कुछ पैसा देकर के अपना गुलाम बनाने की कोशिश होती है। मैंने कई ऐसे देखे दोस्तों, ऐसे लोगों को जिन्होंने परिवार के परिवार गुलाम बनाया, उसके बाद उन्होंने वो नरक भोगा कि उनको देखने वालों को भी दया आ गई कि अरे रे, इसने तो इतना सबके साथ अच्छा किया था, इसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं लोभ था, लालच था, है ना। रिश्ते अपने आप अच्छे बने, इन सब चीजों के लिए दोस्तों रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने। ये ब्रेसलेट ऐसा है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी छोड़ी गई है तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को पहना तो ये ब्रेसलेट अपने आप कलर बदल देगा और ये व्हाइट कलर का हो जाता है। अगर आपके रिलेशनों के बीच में कोई नेगेटिव चीज छोड़ दी गई है, आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने, ये तुरंत व्हाइट हो जाएगा। रोज क्वार्ट्स के टंबल्स 1-2 किलो अपने घर में जरूर रखें। रोज क्वार्ट्स की बहुत बढ़िया किट आई है, उस किट को अपने घर में रखें। उसके अंदर जो एंजल है, एंजल अगर रोज क्वार्ट्स की आपके घर में है तो रिलेशन हमेशा अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते। दूसरा, अभी एक और बहुत अच्छी चीज आई है दोस्तों, सिट्रिन का बल्ब है। जिनके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो लोग जिनके घर में पूजा पाठ ढंग से नहीं हो पा रही है,
रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, इस बल्ब को अपने घर में लगा दें, लगा करके देखें, तबीयत खुश हो जाएगी, बच्चे पढ़ाई करने लग जाएंगे, जिनकी शादियां नहीं हो रही है शादी के रिश्ते आने लग जाएंगे, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है उन वो जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके कमरे में इसको लगा दें, पूजा पाठ में मन लगने लग जाएगा, ध्यान में मन लगेगा। घर में अगर बच्चे आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपका कहना नहीं मान रहे, तो भी ये बल्ब अपने घर में जोड़ लगाएं। ये धार्मिकता को बढ़ाता है, आपके गुरु को मजबूत बनाता है। जैसे मैंने बताया था सिट्रिन, ये सिट्रिन का ही बल्ब है, जब उसको लाइट आप देते हैं तो चालू हो जाता है। सिट्रिन का बल्ब बहुत बढ़िया है, लगा करके देखिए। जैसे सिट्रिन का ब्रेसलेट, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था कि सिट्रिन का ब्रेसलेट पहने, सिट्रिन की पेन अपने पास रखिए, ये आपको ज्ञानवान ही बनाती चली जाएगी, है ना। मैं ज्ञानवान बोलने जा रही हूँ, मुझसे धनवान निकल रहा है क्योंकि धन की बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड की है। तो ये भी बल्ब बहुत बढ़िया है। हमेशा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं हल्दी का तिलक लगा, और मैं हमेशा बताती जैसे एकादशी पूनम हल्दी की माला, ये हल्दी की माला है दोस्तों, इससे गुरु बृहस्पति का जाप करें। हल्दी की माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र से जाप करके भगवान विष्णु को पहना दें, और फिर आप कमाल देखें, गुरु आपके जबरदस्त रूप से मजबूत बनने लग जाए। और एक चीज दोस्तों, सौंदर्य पाना व्यक्ति का सपना होता है, दूसरा ये चाहते हैं कि हम पति पत्नी के बीच में हमारे रिलेशन अच्छे हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है इस उपाय को। जितना ज़्यादा आप इस शब्द को एकांत में बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। लेकिन बोलते समय इतना ध्यान रखना है कि आपको कमरे में अकेले बैठना है, आपका मुँह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आपने रोज क्वार्ट्ज शरीर में धारण कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी धारण कर रखा है तो आपको बहुत अच्छे से आंखें बंद करके बैठना है, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा अपने नज़र के सामने लाना है। नहीं ला पाते हो मोबाइल चालू करके उसका चेहरा अपने सामने रख लो, फोटो रख सकते हैं आप उसकी, कंटिन्यू अपने सामने रखो उसके, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पर अपना ध्यान लगाएं, कंसेंट्रेशन करें और बोले अमोरा अमोरा अमोरा। यह शब्द जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप बोलें, और उसके बाद में आप सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर करें कि आपको मेरे जीवन में आना है। आप देखेंगे अगर व्यक्ति विदेश में बैठा है तो भी दौड़ करके आएगा। ये शब्द सामने वाले व्यक्ति के दिमाग को हिलाने लग जाता है, सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में हलचल पैदा करने लग जाता है। सामने जो भी व्यक्ति है वह स्वतः ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो रिश्ते कुदरती है वो बिल्कुल सही है, कई लोग गलत जगह रिश्ते बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक देवर भाभी की वीडियो देखी थी और मेरा मन घृणा से भर गया। भाभी और देवर, माँ और बेटे का संबंध है, माँ और बेटा, देवर और भाभी मतलब माँ और बेटा। लेकिन इस कलयुग में देवर और भाभी के जो रिश्तों में गंदगी आ गई है, कलयुग की ये पहचान है, तो अपने विचारों को शुद्ध रखें, इन चीजों का कभी दुरुपयोग ना करें। ज्यादातर भाभियां ज्यादा उम्र की होती है, देवर कम उम्र का होता है, तो भाभियों के द्वारा देवर के ऊपर जात जात के टोने टोटके कर दिए जाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है हजारों ऐसे लोग जिनका घर नहीं बसा, पूरी जिंदगी कमाया और भाभी को देते रहे, ये पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इन चीजों का उपयोग सिर्फ तब करें जब आप सामने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समर्पित हो, अन्यथा ना करें। आप भी पाप में पड़ोगे, बताने वाला भी पाप में पड़ेगा, है ना। किसी की भी जिंदगी अगर आप बर्बाद करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी और होगी, इस बात को आप समझ जाओ अच्छे से। जय श्री कृष्ण।